फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने रियलमी C63 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन का गूगल असिस्टेंट काम नहीं कर रहा है, गूगल असिस्टेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू करना है, ठीक है। इसके बाद मोबाइल फोन में आपका एक गूगल का ऐप होता है, ये वाला, इस गूगल के ऐप को ओपन करना है। अब देखिए, इस ऐप में आपको राइट साइड के टॉप पर प्रोफाइल पिक्चर होती है, इसे टैप करना है, ठीक है। आपका ये पेज आता है, इसमें आपको नीचे सेटिंग का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपका ये पेज आता है, इसमें आपको एक गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पेज आएगा ना, इस पेज में आपको ये हे गूगल एंड वॉइस मैच का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। तो आपका एक और पेज आएगा, ये वाला, इस पेज में आपको ये डिवाइस लिखा है ना, डिवाइस पे पहले टैप करेंगे तो आपको नीचे इतना ये पेज आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें आपको ये हे गूगल के सामने वाला ये जो बटन है ना, इस बटन को टैप करके ऑन करना है, ठीक है। तो इस बटन को आप टैप करिए तो आपका एक पेज आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए, इस पेज में आपको नीचे मोर का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर इसे एग्री का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे इस पेज में मोर का ये ऑप्शन दोबारा टैप करना है। अब यहाँ पे एग्री का ये ऑप्शन दोबारा टैप करना है। तो आपका यहाँ पे एक और पेज आता है, ये वाला, ये हे गूगल इस रेडी का। तो आपको नीचे नेक्स्ट का ये बटन आपको टैप करना है, ठीक है। तो आपका एक और पेज आएगा यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पर ये पेज आएगा ना, इस वाले पेज में आपको फिलहाल के लिए इसे नॉट नाउ पे टैप करना है, ठीक है। नॉट नाउ पे टैप करना है तो आपका वापस यही पेज आ जाता है। अब देखिए, आपका ये हे गूगल के सामने वाला ये बटन आपका ऑन हो गया है, ठीक है। तो इतना प्रोसेस आप करेंगे ना, तब जाके आपका ये हे गूगल के सामने वाला बटन ये ऑन होगा, इतना प्रोसेस करने पे, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है, आपको बैक पेज पे जाना है, ठीक है। इसके भी बैक पेज पे जाना है। तो आपने स्टार्टिंग में जो गूगल असिस्टेंट सेलेक्ट किया था ना, इसी पेज में आपको देखिए नीचे वॉइस का ऑप्शन है, वॉइस पे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये स्पीच आउटपुट का ऑप्शन टैप करना है। तो आपका पेज आता है, इसमें देखिए अगर आपका नोन के आगे टिक मार्क लगा हुआ है ना, तो इसे फुल पे टिक मार्क लगाना है, ठीक है। इस तरीके से फुल पे टिक मार्क लगा लेना है, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये जो दो प्रोसेस आपको बताए ना, दोनों प्रोसेस आपको कंप्लीट कर लेना है इसी तरीके से, तो आपके गूगल असिस्टेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।